हाँ जी प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आप आगे बढ़ें। एक नंबर जो पूरी तरह से रियल है और एक नंबर जो पूरी तरह से इमेजिनरी है, दोनों को मिक्स कर दें, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कल मैंने एक बात डाला था कि रियल मैन एंड भूतों का, कोई भूत का ये सेट कॉम्प्लेक्स, जैसे भूतनाथ और बंकु। भूतनाथ और बंकु, भूतनाथ फिल्म में, और भूतंकल, और जो उसके साथ जो बच्चे थे उनमें से कोई एक, ये भी कॉम्प्लेक्स। इनका संयोग, एक रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसकी हम इक्वलिटी करते हैं कि ये सेट और ये सेट बिल्कुल इक्वल है, तो प्यारे बच्चों इसकी इक्वलिटी इससे ही करेंगे और इसकी इससे। ये अपने कपड़े उतार के उसे दे दे, या वो अपनी कोई अंगूठी उतार के इसे दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। वो इंडिविजुअल इमेजरी इमेजरी के इक्वल रहेगा और रियल रियल के। अगर आपका हम ये कहते हैं 10 + 2 = 8 + 4, तो ठीक है, बोथ आर 12। हम इसमें से एक नंबर निकाल के इसमें दे सकते हैं, ये 9 आ जाएगा और वो 3 हो जाएगा, तब भी उसे इक्वल है। और इसमें से मैं 2 इसमें दे दूँ तो 10 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, दोनों रियल हैं तो अपने कपड़े बदल सकते हैं, दोनों इमेजरी हैं तब भी कंपैरिजन हो सकता है। पर रियल का इमेजरी से जरा सा भी, हमें जरा सा निकाल के इसे दे दूं या इससे जरा सा ले लूं, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों a+i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। a+ib इफ इज इक्वल टू c+id, तो इसका मतलब सीधा सीधा है रियल रियल के इक्वल है, इसमें जरा सा पार्ट इसमें नहीं आ सकता, वो इंडिविजुअली इक्वल होगा। a इज इक्वल टू c एंड i का कोएफिशिएंट D is good, hence I have option D. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रियल का रियल में एडिशन होगा, इमेजरी का इमेजरी में एडिशन होगा। मल्टीप्लाई सिंपल होगी, I की I में इंटू होने को I स्क्वायर बन जाएगा, वो रियल बन जाएगा -1। इस तरह करके अगले एक्सरसाइज को आप आगे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं करके आपको बता रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए और आप तेजी के साथ आगे बढ़ें। इस बुक के अकॉर्डिंग राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, अंडर रूट ऑफ -27, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो इस अंडर रूट, एक तो -1 को तो अलग करना है, असल 9 क्या 27, 9 × 3, तो इसका 3 हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और अंडर रूट -1 में ले देंगे आई। सो पूरी तरह से इमेजरी आ गया है, तो रियल पार्ट 0 रहा होगा, 0 + 3 √3 आई, जिसमें आई बिल्कुल ना हो, केवल रियल हो, उसे बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। और रियल बिल्कुल ना हो, पूरी तरह से इमेजरी हो, तो प्योर इमेजिन नंबर, ये वर्ड यूज कर सकते हैं।
थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ कंडीशन दे रखी है, एक्स और वाई फाइंड करना गिवन 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई, 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज गुड 3 माइनस 6i, ये दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये इक्वल है तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजरी इमेजरी के इक्वल। देन 4x पूरी तरह से रियल पार्ट किससे इक्वल होना चाहिए 3, यानी x की वैल्यू तो सीधी सीधी आएगी 3/4। एंड i का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, i का कोएफिशिएंट 3x माइनस वाई एंड देयर i का कोएफिशिएंट माइनस 6, ओके 3 और x की वैल्यू 3/4 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, y हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर का प्लस का हो जाएगा 6 और प्लस 9/4 और 6 24 और 9 33/4, सो x इज 3/4, y इज 33/4, ओके इक्वेलिटी वाला क्वेश्चन। बस सावधानी बरतनी है बस, और कुछ नहीं है, और आपका हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, हर टाइप इतना से देख के अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म x प्लस आई वाई, तो इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे, सारी बता देंगे 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस 2। इस क्वेश्चन से दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर न्यूमरेटर में ही प्लॉट होता तो सीधे इंटू कर लो, जैसे मैं अब करने जा रहा हूं न्यूमरेटर, ऐसे ऊपर भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन, आराम से करो जैसे करते हो पहले 1 की, इसमें भी इसमें भी 1 माइनस 2i, फिर i की 1 में i बन जा i, फिर इसकी इसमें जाएगी तो माइनस के 2 इंटू आई स्क्वायर 2 प्लस आई अपॉन 1 और i माइनस 2i, माइनस आई और माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ गया जी कुल मिला के 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस आई, ठीक है इंटू करना आ गया, और न्यूमिनेटर में सीधे हो जाएगा ऊपर का ऊपर ही। डिनोमिनेटर में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ना आसान, रियल का रियल में, इमेजरी का इमेजरी में, इंटू करना आसान जैसे भी करके बताया, डिवाइड देना है सबसे अलग, और ये भी बेहद आसान है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड देना होता है प्यारे बच्चों, इसको रेशनलाइज करना है, इसके ओपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, ध्यान रखें बस, डिवीजन का यही एक तरीका है, मल्टीप्लाइड बाय इसका ओपोजिट साइन 3 प्लस आई से इंटू एंड डिवाइड, पर ऐसा करने से नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ऊपर इंटीग्रल जैसे करते हो पहले 2 की 2 3 या 6 प्लस 2i प्लस i की 3 में 3i और प्लस i स्क्वायर,
सिक्स प्लस फाइव आई माइनस वन एंड नाइन माइनस माइनस वन प्लस वन, नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर रेजलाइज करते ही कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा नीचे से, बस यही हमें करना है। तो सिक्स माइनस वन फाइव प्लस फाइव आई अपॉन टेन, आपको निकालना रियल नंबर प्लस आई इंटू इमेजिनरी नंबर। तो पांच का पांच बटा दस एक बटा दो हो जाएगा, और यहां भी पांच बटा दस एक बटा दो, यह आ गया ए प्लस आई बी का रूप। ठीक है, इस तरह से ये इंटू करना डिवीजन करना सारी बातें इस एग्जांपल में आ गई। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते बढ़ाते प्यारे बच्चों ग्रुप में एकदम डालते रहना ताकि स्पीड बढ़ेगी आगे। ऑनलाइन में आप बहुत दूर हो मेरे से, इसे कुछ बातें क्लियर ना हो तो सीधे कॉल कर लो, जो भी समस्याएं बता दो और मैं बहुत जल्दी गेट टुगेदर प्रोग्राम करूंगा कि जल्दी एक बार मुलाकात हो जाए। एक और देख लें, इसके बाद आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग शुरू हो जाना, कोई भी दिक्कत है पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन एक्स की वैल्यू दे रखी है। देखिए एक्स रेज पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टी फाइव, एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी और एक्स वैल्यू दे रखी। एक्स इजक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट माइनस थ्री, यह साधारण तौर पे तो इसकी वैल्यू तो यहां पर स्क्वायर भी कर लोगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर भी करो, काम मिलेगा बस। ठीक है, उससे अच्छा तरीका यह है कि ये जो दे रखा है उसको मॉडिफाइड करो। कैसे देखो, देखा 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, given this, इसका मतलब x is equal to 2 plus under root 3 तो अलग कर लो, under root minus 1 के बदले i लिख लो, x minus 2 is equal to i वाला पार्ट भी अलग कर दो, मतलब यही है, इसको मॉडिफाइड करना है बस, स्क्वायर करो बोथ साइड्स, x minus 2 का स्क्वायर is equal to i का स्क्वायर माइनस आ जाएगा और थ्री। ठीक है, ये ऐसे रहने थे आई ना लेते, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू दिस ऑफ स्क्वायर हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस थ्री सेवन, इसकी वैल्यू इसको मॉडिफाई करें, यहां ले आ जाए, इसको यूज करें ना। ठीक है, अब ज्यादा फायदा होगा, एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, और आंख बंद करिए, आंख बंद करके लिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, और अब स्टार्टिंग करो, एक्स पावर फोर तो वाकई में था, माइनस के फोर एक्स क्यूब है ही नहीं, तो माइनस के फोर एक्स क्यूब प्लस के फोर एक्स क्यूब कर जाएंगे, प्लस सेवन एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस के फोर, तो प्लस के सेवन में माइनस के इलेवन एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटू करके आ गया, इसकी इंटू करके उससे कट जाएगा, और इसकी इंटू करके ये भी आ गया, बाकी दोनों ऐसे दोनों प्लस 8x प्लस 55
ओके इज गुड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू क्या बन गया है जीरो बना रखा वो एक काम अब फिर दोबारा करो एक्स स्क्वायर कैसे बचेगा फोर एक्स कॉमन लेते फोर एक्स टेक एक्स कॉमन क्या बचेगा एक्स लिख दो सारा वही एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन तो फोर एक्स क्यूब तो था माइनस के सोलह एक्स स्क्वायर है माइनस के ग्यारह तो माइनस के पांच एक्स स्क्वायर और चाहिए माइनस के सोलह एक्स स्क्वायर माइनस के तो इक्कीस हो जाएगा माइनस के सोलह प्लस के पांच माइनस के सोलह एक्स स्क्वायर प्लस के पांच एक्स स्क्वायर तो माइनस के ग्यारह एक्स स्क्वायर और आ रहा था अट्ठाईस एक्स चाहिए आठ तो माइनस के बीस एक्स अट्ठाईस एक्स माइनस बीस एक्स आठ एक्स आइए और लास्ट में प्लस पचपन ये भी जीरो हो गया प्लस फोर एक्स इंटू ये भी जीरो हो गया और यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कैसे बचेगा फाइव कॉम ले लो उसका ले फाइव कॉम ले लिया और आंख बंद करके जो है वो लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन सेटिंग कर दो पांच स्क्वायर तो है ठीक है माइनस के बीस एक्स भी है और प्लस के पैंतीस और बीस पचपन हो जाएंगे ये भी जीरो ये भी जीरो और फाइव इंटू ये भी जीरो और प्लस के बीस इज इक्वल टू ट्वेल्व जो दे रखा है उसको मॉडिफाइड कर लो और फिर उसको यूज करो उसको बार बार यूज करते रहो ताकि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी कुछ अंतिम बात और है बताने के लिए आर्गन प्लेन मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ये अंतिम भाग है परंतु उन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करना ऐड सब्ट्रैक्ट करना ये करना वो करना अच्छी तरह आ जाना चाहिए अब आखिरी वीडियो और आएगी बाकी जो आप सॉल्यूशन पूछो वो तो जो आप क्वेश्चन पूछो सॉल्यूशन देने पड़ेंगे जो आखिरी वीडियो आएगी उसमें स्क्वायर रूट निकालना आर्ग्यूमेंट मॉडुलस और कुछ प्रॉपर्टीज मतलब फाइनल वीडियो और आई कॉम्प्लेक्स नंबर की इस बिना पे जो एक्सरसाइज शुरू हो सकती है उसे पूरी ताकत लगा के शुरू करते हैं ओके बच्चों बाय